हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको आज पता ही होगा, DSSSB ने सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो कि है MCD की, उसके JEE का रिज़ल्ट आज निकाल दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 103 थी और टोटल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 228 हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो MCD की जॉब प्रोफाइल और उसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो मैंने बताया था कि कट ऑफ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पार्ट है ये Tier 1 की कट ऑफ है MCD के, ठीक है। 103 पोस्ट Tier 1 की कट ऑफ, 121 OBC की, 70 नंबर SC की, 102 और ST की 111 पोस्ट। तो मैंने बताया था कि कट ऑफ ऑलमोस्ट इसके बराबर ही रहेगी, ऑलमोस्ट 5 से 10% का वेरिएशन हो सकता है अगर होएगा। तो जैसा कि ये Tier 2 की है, तो Tier 2 में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर सी है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बट OBC की कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, OBC का मैं इतना ज़्यादा मान नहीं रहा था, बट कट ऑफ इतनी है। अच्छा, जो देखने वाली चीज़ है, जैसे कि आज दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की भी आई है, तो 94 जो कट ऑफ है इसकी, ये जो है अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है तो हर जगह ये कैंडिडेट ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं E-Dozier के लिए। तो ऐसा क्यों है कि कई बार क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाता हूँ। जो MCD में जो वैकेंसी निकली थी, MCD की जो JEE सिविल की जो वैकेंसी है, आप देख सकते हैं ये है। तो इसमें देखेंगे आप, एक तो डिग्री वाले एलिजिबल थे और दूसरा डिप्लोमा वाले, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले, ठीक है। उनकी डेट ऑफ कम्प्लीशन के बाद उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था। तो कई लोग ऐसे होंगे, मेरे भी नॉलेज में आए हैं कि उन्होंने, वो लोग अपना फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कहीं से भी, कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस का बना रहा है, कोई बिज़नेस का एक्सपीरियंस का बनवा रहा है, इस तरीके से कई लोग होते हैं। कई सुनने में आ रहा था कि डिप्लोमा उन्होंने नहीं कर रखा, जिसके लिए मिनिमम एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा है। जैसे कि अगर आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट NDMC की देखेंगे तो यहाँ पर 3 ईयर्स डिप्लोमा लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके लिए एक्सपीरियंस कोई नहीं है। तो कई लोगों ने BTech के मार्क्स भर के उसको फिल कर दिया है। तो ऐसे कई लोग होंगे, बहुत होंगे। जैसे कि मैंने खुद AE सिविल का जो एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, AE सिविल के लिए डिग्री उसमें चाहिए थी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो कई लोगों ने अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस लगा रखा है, कई लोगों ने अपना वैसे ही बिजनेस का एक्सपीरियंस लगा दिया, कईयों ने अपना फेक सर्टिफिकेट बना दिए। तो जो कट ऑफ वगैरह है कुछ इन्हीं रीजन से हाई जाती है। जैसे अभी MCD की जो कट ऑफ गई है जनरल की, 118 मार्क्स गई है जनरल के लिए, 97.7 गई है OBC के लिए, SC के लिए गई है 109.28। तो जो ये E-Dozier में जो सिलेक्ट करें हैं, ये लोग जब अपने सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वहाँ पर इनको अपने स्पेसिफाइड फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो ये लोग जाहिर सी बात है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। जो लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं BTech कर रखी है लेकिन एसेंशियल उसमें पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांग रखा है, डिप्लोमा अगर नहीं हुआ तो ये लोग जाहिर सी बात है ये रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कट ऑफ ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो लोग, जो लोग, जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, जाहिर सी बात है उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा होगी, तो वो लोग जब भरेंगे अपना फॉर्म तो अपने आप जाहिर सी बात है निकल जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा देख के परेशान ना हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका सब कुछ सही है, तो आप क्या पता सिलेक्ट हो सकते हो। ज़्यादा इन्होंने सिलेक्ट इसलिए करें, जैसे जो कि अगर 2013 की जो रिक्रूटमेंट थी, अगर आप उसको नोटिस करें तो उन्होंने फाइनल रिज़ल्ट निकाल दिया था, ठीक है, कि ये लोग जो हैं सिलेक्टेड हैं, बट वेटिंग लिस्ट कोई नहीं निकाली थी। तो इस बार एक्सपेक्टेड है, क्या पता Dozier में से निकाल दिए जाएं और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही लोग फिल करें, या फिर वेटिंग लिस्ट भी क्या पता वो निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस बार इन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा लिए हैं। तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों के मार्क्स हो चुके हैं कि ज़्यादा हैं इस कट ऑफ से, तो फर्दर E-Dozier के लिए आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।